क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं जो कि ग्रेविटेशन से रिलेटेड है. इसमें कहा गया सैटेलाइट ऑफ मास एम इज लॉन्च्ड वर्टिकली अपवर्ड्स विथ एन इनिशियल स्पीड यू फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ आफ्टर इट रीचेज हाइट आर वेयर आर इज रेडियस ऑफ अर्थ इट इजेक्ट्स अ रॉकेट ऑफ मास एम बाय 10 सो दैट सब्सिक्वेंटली द सैटेलाइट मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. The kinetic energy of the rocket is G is gravitational constant and capital M is mass of Earth. ये जो question है मैं इसको एक diagram से समझाता हूँ. इसमें देखेंगे मैंने यहाँ पर एक sphere बनाया है. ये actually में Earth है ना. तो Earth का surface अगर इसको मान लिया जाए तो radial direction जो होता है वो vertical माना जाता है. Radial direction vertical कैसे हुआ? जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ Earth surface पर तो ये वर्टिकल हो गया ऊपर है ना. और इसी लाइन में अगर देखेंगे तो अर्थ का रेडियस भी होगा. अर्थ का रेडियस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और सरफेस के परपेंडिकुलर वर्टिकल भी होता है. तो रेडियल डायरेक्शन जो है वो वर्टिकल कहलाता है. तो यहां पर इस पोजीशन पर वर्टिकल कौन सा होगा? ये वाला डायरेक्शन है ना. तो इसके सरफेस से सैटेलाइट यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया. इस सैटेलाइट का मास था एम है ना. जब यहां से ये r हाइट पर पहुंचा, r जो है अर्थ का रेडियस है और यहां से r डिस्टेंस यहां आया सैटेलाइट, इसका मास अभी भी m है तो इसकी वेलोसिटी पहले से कम हो गई होगी. तो कैसे पता करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं है ना. तो यहां पर एनर्जी लिखेंगे k इनिशियल प्लस u इनिशियल और यहां पर k फाइनल प्लस u फाइनल है ना. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आएगा हाफ एम यू स्क्वायर. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आता है माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर. पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ही है ना. तो माइनस जी एम वन एम टू बाई आर जैसा कुछ होता है तो ये आया है ना. इज इक्वल टू फाइनली यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी आएगा माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई टू आर. टू आर क्या है? सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस है ठीक. तो यहां से हम लोग चाहें तो वी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. वी का वैल्यू आएगा अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर. इतनी वेलोसिटी यहां पर ये जो सैटेलाइट है उसकी होगी. यहाँ पर क्या होता है, सैटेलाइट दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. एक होता है रॉकेट और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है सैटेलाइट का वो रहता है. तो जैसे ही ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे मान लेते हैं ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो ये सैटेलाइट है और ये जो है ये रॉकेट है ना. तो ये कहा गया कि जो सैटेलाइट है ये सर्कुलर मोशन करना शुरू करता है. इसका सर्कुलर ऑर्बिट जो है ये ऐसे आएगा कुछ है ना. तो सर्कुलर मोशन करने के लिए इसकी जो वेलोसिटी होगी वो सर्किल के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होना चाहिए है ना. मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर सैटेलाइट छूटेगा तो इसकी वेलोसिटी सैटेलाइट की इधर होगी और ये जो वेलोसिटी होगी इसकी ये ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल होना चाहिए है ना. ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल होगा तभी ऑर्बिट में घूमेगा. ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है अंडर रूट जी एम डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ ऑर्बिट. तो रेडियस जो होगा इसका चूंकि 2r डिस्टेंस पर सेंटर से तो उसी रेडियस के ऑर्बिट में ये घूमेगा है ना. ये तो हो गया सैटेलाइट की वेलोसिटी. लेकिन जो रॉकेट है, ये रॉकेट है तो रॉकेट के पास दो तरह की वेलोसिटी आएगी. क्योंकि सैटेलाइट इधर भागा है तो रॉकेट जो है उसको इधर भी वेलोसिटी मिली होगी है ना. इस डायरेक्शन में मैं इसको मान लेता हूं वी वन और एक वेलोसिटी इसके पास इधर भी आएगी क्योंकि सिस्टम तो पहले इधर जा रहा था. इधर वेलोसिटी मान लेते हैं कि ये v2 है ठीक. तो इस डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं सिस्टम का और इस डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं है ना. तो दोनों डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करके हम लोग देखेंगे ठीक. पहले लगाते हैं इधर ये वाला डायरेक्शन में. तो ये वाला डायरेक्शन में आप देखेंगे तो इनिशियल मोमेंटम था जीरो है ना. इधर कोई मोमेंटम नहीं था, सारा मोमेंटम तो इधर था. तो इनिशियल जीरो, बाद में क्या होगा, रॉकेट का मास दिया गया है एम बाई टेन. रॉकेट का मास है एम बाई टेन इंटू वी वन माइनस.
टोटल सैटेलाइट का मास था एम, उसी में है ना, इस एम में वो जो रॉकेट का मास है वो इंक्लूडेड है। तो अगर रॉकेट का मास एम बाई टेन है तो सैटेलाइट का जो रिमेनिंग पार्ट है उसका हो गया 9m/10। अगर मैं इस वेलोसिटी को पॉजिटिव लेता हूं तो इस वेलोसिटी को निगेटिव लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने माइनस लिखा है, माइनस एम वी, ये जो है अंडर रूट जी एम डिवाइडेड बाई 2r, है ना। तो यहां से m बाई टेन, ये m बाई टेन, ये कॉमन लेकर के कैंसिल कर सकते हैं। तो v1 का वैल्यू आएगा 9 अंडर रूट जी एम डिवाइडेड बाई 2r। ये रॉकेट की इधर वाली वेलोसिटी हो गई। अच्छा, हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, टूटने से जस्ट पहले और टूटने के जस्ट बाद। तो इस डायरेक्शन में देखेंगे, इनिशियली मोमेंटम था m इंटू वी, टूटने से पहले मास था m टोटल और वेलोसिटी था v, और टूटने के जस्ट बाद केवल रॉकेट के पास वेलोसिटी वी टू आएगा। रॉकेट का मास है m बाई 10 और वेलोसिटी है इधर वी टू इस डायरेक्शन में। तो यहां से जो v2 है इसकी वैल्यू आ गई 10 इंटू वी, 10 v का वैल्यू हमने यहां फाइंड करा है, ये आ गया u स्क्वायर माइनस जी एम बाई आर। ठीक, अब v1 और v2 दो कंपोनेंट पता है, ये रॉकेट है, रॉकेट की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट पता है ना। तो इसकी नेट वेलोसिटी कितनी आएगी, नेट वेलोसिटी ऑफ रॉकेट यह आएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का रूट, यह आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉकेट ये होना चाहिए हाफ मास ऑफ रॉकेट इंटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, है ना, ऐसे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 m बाई 10 इंटू इसका स्क्वायर, यानी कि v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, है ना। तो ये आएगा m डिवाइडेड बाई 20 v1 स्क्वायर, v1 देखेंगे यहां पर ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 81 gm डिवाइडेड बाई 2r, है ना, प्लस v2 स्क्वायर, v2 स्क्वायर कितना आएगा, ये आएगा, ये हो जाएगा 100 u स्क्वायर माइनस 100 जी एम डिवाइडेड बाई आर, यह आ जाएगा, है ना। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा ये 5m ब्रैकेट में आएगा u स्क्वायर माइनस 119 जी एम बाई 200 इंटू आर, है ना। तो ये रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी आ गई जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है ना, ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है इसमें ये करेक्ट एनर्जी दिया गया है।